बॉलीवुड में 90 के दशक में दो एक्शन खिलाड़ी सबसे अधिक पॉपुलर हुए थे। पहले हैं अक्षय कुमार और दूसरे हैं सोनाली शेट्टी। सुनील शेट्टी, जिन्हें लोग अन्ना भी कहते हैं, आज की तारीख में एक जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने साल 1992 में बलवान फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री की थी। इसके बाद उन्होंने एक कई सुपरहिट फिल्में दी और पॉपुलर हो गए। सुनील के बारे में एक दिलचस्प बातें ये हैं कि जब वे फिल्मों में आए थे तो पहले से किकबॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट थे। उनकी इस खूबी की वजह से फिल्म डायरेक्टर उन्हें एक्शन फिल्में कुछ ज्यादा ही ऑफर करते थे। हालांकि बाद में सुनील ने ड्रामा, लव स्टोरी और कॉमेडी फिल्में भी की। अभिनेता होने के अलावा सुनील एक सफल बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर भी हैं। 11 अगस्त 1961 में जन्मे सुनील शेट्टी वर्तमान में 56 साल के हो चुके हैं, लेकिन इस उम्र में भी वो काफी फिट दिखाई देते हैं। सुनील की एक बीवी भी है माया, जिसे उन्होंने 1991 में शादी रचाई थी। इस शादी से सुनील के दो बच्चे हैं, जिनमें बेटा अहन शेट्टी और बेटी आथिया शेट्टी शामिल हैं। उनकी बेटी आथिया तो बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी कर चुकी हैं। सुनील ने फिल्म इंडस्ट्री से जो भी नाम और दौलत कमाई है, वो अकेले अपने दम पर हासिल की हैं। आज हम आपको सुनील के बारे में एक ऐसी दिलचस्प बात बताने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सुनील फिल्मों में आने से पहले ही शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद उनका दिल फिल्मी दुनिया की एक हीरोइन पर आ गया था। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे हैं। सुनील और सोनाली ने 90 के दशक में साथ में कई सारी फिल्में की, जिसमें टक्कर, सपूत, कहर और भाई जैसी हिट फिल्में शामिल हैं। इतनी सारी फिल्में साथ में करने की वजह से सुनील का दिल सोनाली पर आ गया था और उन्हें सोनाली बेंद्रे से प्यार हो गया था। खासकर कि भाई फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों में नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई थी। सुनील सोनाली को दिलोजान से चाहने लगे थे। वैसे तो सुनील अपनी पत्नी के साथ खुश थे, लेकिन वो जब भी सोनाली को देखते थे तो उनका दिल फिसल जाता था। एक इंटरव्यू में फिल्म स्टार गोविंदा ने तो ये तक कह दिया था कि उस समय यदि सुनील शादीशुदा न होते तो वे सोनाली से शादी जरूर कर लेते। आपको बता दें कि गोविंदा और सुनील आपस में अच्छे दोस्त हैं। उस समय गोविंदा ने भी सुनील के इस प्यार को भांपा था। बस यही वजह है कि सुनील शेट्टी की ये लव स्टोरी पूरी ना हो सकी और सोनाली व सुनील अलग अलग राहों पर चले गए। जहां एक तरफ सुनील पहले से माया के साथ शादीशुदा जीवन बिता रहे थे, तो वहीं 2002 में सोनाली ने गोल्डी बहल से शादी रचा ली थी। वैसे आपको बताते चले कि वर्तमान में सोनाली और सुनील दोनों ही अपने अपने परिवार के साथ काफी खुश हैं। शानदार स्मार्टफोन और लेटेस्ट टेक न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।